मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। उर्दू सहाफ़त के 200 साल पूरे होने पर मुंबई के हज हाउस में पत्रकार विकास फाउंडेशन की ओर से एक शानदार सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उर्दू, मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी अखबारों के एडिटर वर और सीनियर जर्नलिस्ट, उसके अलावा शायर, शायरा, पॉलिटिकल अस्थियाँ उपस्थित थी। में इस शानदार सेमिनार में उर्दू के पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को लेकर यहाँ पे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस कार्यक्रम के दौरान विद पत्रकार विकास फाउंडेशन की ओर से अपनी अपनी खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को, राइटर्स को, सीनियर जर्नलिस्ट को पत्रकार विकास फाउंडेशन की ओर से मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आइए इस मौके पर हम जानते हैं इस उर्दू सहाफ़त के 200 साल पूरे होने पर हमने यहाँ पे लोगों से बात की, क्या कहा इस मौके पर समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसिम आज़मी ने, वहीं पे हिंदुस्तान अखबार के एडिटर सरफराज आरजू और वेस्ट बंगाल से आई मशहूर शायरा उरुशा अरसी, उसके अलावा यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी शिरीन दलवी और वहीं थाने कांग्रेस के उपाध्यक्ष अब्दुल गफूर रोमानी से जानते हैं कि इस उर्दू सहाफ़त के सेमिनार को लेकर और उर्दू को लेकर उनका क्या कहना है। आइए हम जानते हैं हमारी इस खबर में। जो है ये डिक्टेटरशिप लाना चाहती है कि इनके खिलाफ कोई बात ना कही जाए। और मैं समझता हूँ कि मुशायरे कवि सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो भी लोग अपनी बातों को अच्छी तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ों को समझ आ रहा है। मदरसों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि मदरसे ही हैं जिन्होंने जंग आज़ादी का आगाज़ किया था, मदरसे इंसान बनाते हैं। और मैं RSS के चीफ से कहना चाहता हूँ, इस मुल्क के सबसे बड़े फ़िरका परस्त से कहना चाहता हूँ, आओ मदरसों में, हम आपको एक कमरा देंगे, खाने की जगह देंगे, कपड़ा भी देंगे चाहिए तो, और अब आप हम CCTV भी अपने पैसे लगा देंगे। एक महीना, दो महीना, छः महीना रहो, अगर इंसान होगे तो कहोगे कि मदरसे इंसानियत का सबक देते हैं, मुल्क से वफादारी का सबक देते हैं, और तुम्हारे जो तुम लोग चलाते हो शिशु मंदिर, उसमें सर नफरत की कुछ है ही नहीं है। सर तुम छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 7 साल के बच्चों को आप लोग हथियार सिखाते हो और मुसलमानों के खिलाफ तैयार करते हो, दोनों में कंपटीशन करो तो देश प्रेमी मदरसे वाले हैं और देशद्रोही जो है ना शिशु मंदिर वाले। उर्दू की 200 साल मुकम्मल हो गए, ये बात तो सब जानते हैं, और उर्दू की क्या खिदमात रही हैं, उर्दू सहाफ़त की क्या खिदमात रही हैं, ये भी सब जानते हैं। ये एक तारीख़ का एक दरख्शंदा बाब है। और अब जो लेकिन हमारे सामने चैलेंज है वो ये कि उर्दू के मुस्तकबिल को किस तरह महफूज किया जाए, उर्दू सहाफ़त के मुस्तकबिल को किस तरह संवारा जाए, और अगली सदी में जो है उर्दू सहाफ़ियों का क्या किरदार हो, क्या रोल हो, और उनके लिए सर्वाइवल का जो सबसे बड़ा मसला है, उस सर्वाइवल के जो हैं उनके पास क्या टेक्निक्स हैं और क्या रास्ते उनको इख्तियार करने पड़ेंगे, इस बारे में गौर व खौस किया गया। और इंशाल्लाह जो बातें यहाँ हुई हैं कि हम एक अहद से दूसरे अहद में जो है दाखिल हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो रिवायात हैं वो रिवायत जो है हसब साबिक रहेंगी। उर्दू जो है हमेशा इस मुल्क की खिदमत करती चली आई है, इस कौम की खिदमत करती चली आई है। उर्दू ज़बान के सहाफ़ी जो हैं उन्होंने हमेशा मुसलमानों के कौस की वकालत की है। ये काम जो है और ये ज़िम्मेदारी जो है वो मुस्तकबिल में भी इसी तंदही के साथ और इसी जोश व बलबले के साथ अंजाम देंगे। कहीं ना कहीं उर्दू ख़त्म होती जा रही है, इसको लेकर क्या कहें? अगर उर्दू ख़त्म हो रही होती तो हम और आप उर्दू में बात नहीं कर रहे होते। ये बातें जो है मैं 50 साल से सुन रहा हूँ कि उर्दू कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। उर्दू फैल रही है, उर्दू के जानने वाले फैल रहे हैं, उर्दू की इसको कहते हैं कि इस्तेमाल जो है वो फिल्मों के ज़रिए और मास मीडिया के ज़रिए जो है वो घर घर उर्दू जो है दाखिल हो रही है, और नए लोग जो है उर्दू सीखने की तरफ और उर्दू की तरफ माइल हो रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान की, उर्दू सहाफ़त के आइंदा भी जो है बरकरार रहने और ज़िंदा रहने की एक ज़मानत है। अंग्रेज़ी मीडियम का दौर है, आज के जो नौजवान जो बच्चे पढ़े उनको उर्दू से लाइन में, इसके लिए क्या? इसका तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो वालिदैन पर है। वो बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाएँ ज़रूर, लेकिन उर्दू भी जो है घर पर सिखाने का इंतज़ाम करें, या ऐसे स्कूलों का इंतखाब करें जहां पर उर्दू भी बहैसियत मज़मून जो है पढ़ाई जाती है। और ये जब काम होगा तो फिर इसके बाद जो है हमारी जो ये शिकायत है कि अंग्रेज़ी में बच्चे जा रहे हैं, तो हमें उससे कोई वो नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। अंग्रेज़ी में जाएँ ज़रूर, लेकिन उर्दू का दामन न छोड़ें,
इस बात को यकीनी बनाने के लिए जो है वालिदैन को जो है उर्दू सिखाने का इंतज़ाम का जो है खुसूसी पर जो है खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उर्दू ज़बान के बारे में या उर्दू सहाफ़त के बारे में? ये पूरा फंक्शन उर्दू सहाफ़त पर रहा, लेकिन ज़्यादातर गुफ्तगू या तो उर्दू ज़बान पर हुई या उर्दू के हालात पर। बहरहाल उर्दू सहाफ़त कल भी ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा है और आइंदा भी ज़िंदा रहेगी, अगर इसे रोशन ख्याली से और बिल्कुल कुशादा दिली से इसका साथ दिया जाए। उर्दू का कैनवास बहुत बड़ा है और उर्दू की रीडरशिप भी पूरी दुनिया में है। उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है और ये बहुत अच्छी ज़बान है, ज़रख़ेज़ ज़बान है। ये दूसरी ज़बानों के अल्फाज बहुत जल्दी अपने अंदर अडॉप्ट कर लेती है, ज़म कर लेती है, ये इसकी बड़ी खूबी है। आप कितने ऐसे अल्फाज हैं जो दूसरी ज़बानों के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टेबल कुर्सी, कुर्सी फारसी से, टेबल अंग्रेज़ी से। ये लोगों ने सिर्फ हुआ खड़ा कर रखा है कि उर्दू ख़त्म हो रही है। मेरा कहना ये कि उर्दू कहीं भी ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या डिजिटल होने की वजह से उर्दू को एक बड़ा मैदान मिल गया है। उर्दू बड़े पैमाने पर बोली, समझी और सुनी जा रही है। आप अपने किसी भी एक यूट्यूब चैनल कोई भी देखिए जो सिर्फ उर्दू ज़बान से है, तो उसकी व्यूअरशिप आप देखिए कितनी है, लाखों में है। आजकल के नौजवान, आजकल के जो स्टूडेंट हैं, वो उर्दू से लाइन जबान वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, जो अंग्रेज़ी की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे दौर के लिए क्या ऐसे दौर के लिए कि अभी जैसा और सब लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, जिससे सिर्फ उर्दू ही नहीं, हिंदी, मराठी, गुजराती वाले सभी परेशान हैं कि उनकी ज़बान ख़त्म हो रही। तो ये कसूर हमारा है। हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ाएंगे तो हमारी जो मादरी ज़बान है वो नहीं सीख पाएंगे। तो हमने आप ये देखें कि मुमरा में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम है लेकिन एक सब्जेक्ट उर्दू कंपलसरी है। तो ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं जहाँ एक सब्जेक्ट उर्दू कंपलसरी, या तो फिर अपने घर में मौलवी से अरबी के साथ उर्दू पढ़ाइए, तो उर्दू ज़िंदा रहेगी और बच्चे उर्दू से लाइल नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा लगा और आज का ये मीन्स इस सेमिनार को देख के ऐसा महसूस हुआ जैसे लोग समझ रहे हैं कि अब उर्दू का जो है जवाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बल्कि लगता है कि फिर से वो दौर कहीं ना कहीं से शुरू हो जाएगा। और कहते ना कि ज़बान, हर ज़बान का अपना मेयार मकाम होता है, लेकिन जो भी उर्दू बोलता है वो मैं अपने तौर पे सोचती हूँ कि जो भी लोग उर्दू बोलते हैं वो जब भी कोई और ज़बान को जानते हैं तो वो उसको उस ज़बान पे जब उर्दू वाले बोलते हैं तो वो और ख़ूबसूरत हो जाती है, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो इसलिए उर्दू जो है वो कभी भी, मुझे नहीं लगता जैसे एक रिपोर्ट आई कि उर्दू ख़त्म हो जाएगी, वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उर्दू जो है खुशबू है, खूबसूरती है और वो हर ज़बान को बख्शती है। जैसे मैं चार मिसरे कहती हूँ कि वो इत्रदान की वो पानदान की खुशबू, वो इत्रदान की वो पानदान की खुशबू, ज़बाँ की शीरनी और ज़ाफ़रान की खुशबू, यहाँ तगज़्ज़ुले गालिब अदाए मीर भी हैं, यहाँ तगज़्ज़ुले गालिब अदाए मीर भी हैं, मेरे सुखन में है उर्दू ज़बान की खुशबू। बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि उर्दू सहाफ़त को 200 साल पूरे होने पर जो है पूरे मुल्क में इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो हमारे शहर को जो उर्दू बलात कहा जाता है ना, शहरों की दुल्हन कहा जाता है, तो इस मामले में हमारा शहर क्यों पीछे रहे, इसलिए हमने ये छोटा सा ही प्रोग्राम सही उसको आप लोग आके बड़ा बना दिए। दो सेमिनार की शक्ल में हमने किया कि पहला सेमिनार जो था कि भाई जो गैर उर्दू वाले हैं वो उर्दू के मुतालिक क्या फील करते हैं और जश्न उर्दू के ताल्लुक से वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी आवाज़ क्या है, उनके इजहार ख्यालात क्या हैं उर्दू वालों के ताल्लुक से। और दूसरा सेशन जो हम लोगों का था उसके अंदर जो उर्दू अखबार के माशाल्लाह से अपना राज्यसभा के जो मेम्बर हैं, मगरबी बंगाल के उर्दू एकेडमी के जो चेयरमैन हैं मोहतरम नदीमुल हक साहब भी आए, उनकी सदारत में प्रोग्राम था। तो बस यही एक मैसेज देना चाहूँगा, जिस तरह हिंदुस्तान जो है मुख्तलिफ़ रियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनता है, बिल्कुल उसी तरह तमाम ज़बानों को मिला कर उर्दू ज़बान बनती है। उर्दू के माज़ी मुस्तक़बिल को लेकर क्या? देखिए माशाल्लाह उर्दू का तो माजी जो है वो बहुत ही ताबनाक है और हाल जो है वो उससे ज़्यादा ताबनाक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो आने वाला कल है वो और ज़्यादा ताबनाक है।
मैं सबसे पहले सरफराज आरजू साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम आज रखे उर्दू सहाफत का, बहुत खुशी हुई और मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ।